सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रयागराज में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि छात्रों और पुलिस के बीच देर तक धक्का मुक्की हुई। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल आंदोलन कर रहे छात्रों में से कुछ छात्रों ने आज भू समाधि लेने का फैसला किया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अनशन स्थल के पास कब्र खोदी और भू समाधि लेने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वह वहां पुलिस पहुंच गई और छात्रों को जबरन हटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां माहौल बिगड़ गया। वहीं छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव होने लगा। इस दौरान वहां एसडीएम सिटी समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, 22 दिनों से छात्र अपनी अतड़ियों को सिखा रहा है, पेट की नसों को निचोड़ रहा है, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार दमन के सिवाय संवाद नहीं कर रही। हम छात्रों की पीड़ा को नहीं सुन रही। आज उसी के कारण आज हम आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आज भू समाधि लेने जा रहे थे। आखिरकार हम जीवित रह करेंगे ही क्या जब हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार एक तरफ लाती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून, पर एक तरफ उस कानून का उल्लंघन करके हम गरीब परिवार ताल्लुक रहे। मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जिसके पास नहीं है अगर 5 और फीस वृद्धि हो जाए कि मैं पढ़ नहीं पाऊँ। मैं अपनी शिक्षा को बचाने के लिए यहाँ आया, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। ये लोग सोचते हैं कि गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा ना पढ़ पाए तो उनको बता दें, हमारी आप जान ले लीजिए, तभी ये मुमकिन है। अलीगढ़ के रघुवीरपुरी होली चौक स्थित होटल ला इंपीरियो में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पुलिस की लापरवाही से हस्तपुर गांव की एक महिला के करोड़पति से रोडपति बनने की पूरी आपबीती बताई और साथ ही बताया कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को लगातार 2008 से अब तक 18 मुकदमे का सामना करना पड़ा है, जिसमें पूरा परिवार मान हानि के साथ साथ धन हानि का दंश झेल रहा है, जिसके चलते 28 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय सवर्ण परिषद इगलास के हस्तपुर गांव में महापंचायत का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर आयुक्त ने गांधी में टहलने आने वाले लोगों के से बात करते हुए कहा कि जल्द ही उद्यान और निर्माण विभाग पार्क के दोबारा जीर्णोद्धार के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह ऐतिहासिक गांधी पार्क है, जिसके पुनः निर्माण को लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। फरीदाबाद में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने नशा तस्कर ने अवैध रूप से कब्जाई 25 इमारतों को ध्वस्त कर उसके काले साम्राज्य का अंत कर दिया है। वहीं उसके परिवार के कई परिजन अपराधों को लिस्ट में है। अपराधी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। जिला प्रशासन द्वारा कब्जे हटाने का नोटिस भी दिया गया था। सरकार के आदेश के अनुसार इसी क्रम में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की अपराधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी है कि वह गलत धंधे छोड़कर कोई अच्छा काम शुरू कर दें। पुलिस द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। विजेंद्र उपलाला था जी, तो उसकी यहाँ 20-25 प्रॉपर्टी थी, सबको तोड़ दिया गया। तो सर अभी अभी और भी कोई ठिकाने हैं उसके? नहीं, लाला का यही था, ये तोड़ दिया गया। अगली कार्रवाई किस पे होगी सर? कोई टारगेट दूसरा? वो तो अगला बताएगा। मैनपुरी जनपद में डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति को जब्त किया गया। मौके पर सीओ और एसएचओ समेत पुलिस बल मौजूद थे। आपको बता दें कि आरोपी की संपत्ति लगभग 1,40,00,000 जब्त की गई है, जिसमें कार, मकान, खेत आदि शामिल हैं। गैंगस्टर के तहत 14-1 की कार्रवाई करके राजेश और सत्यवीर
दो अपराधियों से 1,40,50,000 रुपए की संपत्ति जो उनके द्वारा अपराध से अर्जित किया गया था, कल उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। दोनों के ही विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, दोनों ही जेल में निरुद्ध रहे और उसके पश्चात ये संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस संबंध में अभी अन्य अभियुक्तों के संपत्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है और अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति होगी उसके जब्तीकरण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रामलीला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही रामलीला के मंचन और कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता जताई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण किला में हो रही अयोध्या की रामलीला को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक दशहरे की शुभकामनाएं हैं, जिसके बाद लिखा कि रामायण के विभिन्न पात्रों के जीवन की विविध परिस्थितियों को समझने और समयानुकूल अपने प्रयासों को दिशा देने का संदेश देते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दिख रही है, जिसके चलते सेक्टर 23 में नशे के व्यापारी की अवैध प्रॉपर्टी पर सरकार ने बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। वहीं आरोपी पर कई थानों में मुकदमा चल रहा है। गाजीपुर के सिधौना गांव में कई जिला पंचायत सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर जिला पंचायत अध्यक्ष के मनमाने रवैया और अनदेखी पर आक्रोश जताया। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि पिछले 1.5 साल से कार्यकाल में मात्र 2 बैठकें हुई हैं, जबकि हर 3 महीने पर 1 बैठक होती है। पिछले महीने में बैठक की तिथि तय कर कैंसिल कर दी गई थी। सदन के अधिकांश सदस्य जिला पंचायत मीटिंग न बुलाने और बार बार महत्वपूर्ण बैठकों को कैंसिल किए जाने से नाराज हैं। जी, दरअसल ये एक रूटीन है। दरअसल जब भी मीटिंग होती है ज़िले पे, तो जब जिला पंचायत से आता है खबर कि आज फला डेट को मीटिंग रखी गई है, तो हम लोग सारे सदस्य लोग मिलकर 1-2 दिन पहले की मीटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उस पर सारे लोग मिलकर चर्चा करते हैं। और ये कोई अचानक मीटिंग नहीं है। दरअसल कल 27 तारीख थी, 27 तारीख को मीटिंग थी हम लोगों की ज़िले पे, तो इसके सिलसिले में आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे ये था कि आज हम लोग जुटेंगे, कल की चर्चा करेंगे, मीटिंग पे क्या है कैसे है, तो इसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग की थी। अब दुर्भाग्य रहा कि अचानक मीटिंग कैंसिल हो। मथुरा के जैत गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में साधु का शव मंदिर में मिला है। आपको बता दें कि मंदिर की जमीन को कुछ लोग कब्जाना चाहते थे। मंदिर के पीछे खाली पड़ी जमीन में कुछ दिन पहले ही देवी का मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर को गांव के ही युवक ने मंदिर को तोड़ दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने SDM से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने साधु के शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई। जी, हुआ है, मंदिर था 2-3 साल पुराना, देवी मैया को इसमें करी थी चावड़ जी, और उसके बाद मतवल जाए वही करके एक मंदिर बना था पीछे उसके जमीन पर ही काफी, तो मतवल जाए वही करके बनाई, तो बन के कम्प्लीट हो गई। तो इसने कमली ने वो सिंसिटी ने और वो मतवल जाए मंदिर तोड़ के फेंक दिया। कमली कहाँ के रहने वाले हैं? कमली जैत के रहने वाला है। अच्छा, और हम मतवल जाए चौकी गए थाने, माँ हमने रिपोर्ट दी, 4 महीना आए गए, 4 महीना थे, एक भी बंदा उसके घर पे नहीं गो। अलीगढ़ में नगर निगम द्वारा अवैध तरीके से शमशान घाट की जमीन पर निर्माण कार्य कराने के नाम पर अपना अवैध कब्जा जमाते हुए गेट पर ताला लगा दिया था। वहीं नगर निगम द्वारा शमशान घाट की जमीन पर अवैध तरीके से किए गए कब्जे को लेकर दलित समाज के लोगों में आक्रोश पनप गया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतर कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दलित समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही SDM और
सीओ समेत भारी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शमशान घाट गेट पर नगर निगम के द्वारा वर्षों से लगाए गए ताले को गेट से खोले जाने का आश्वासन दिया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे दलित समाज लोगों की मांग है कि नगर निगम द्वारा शमशान घाट की जमीन पर लगाए गए तालों को खोलते हुए कब्जा मुक्त कराया जाए। और ये समाज का एक यहाँ पर मरकट बना हुआ था, मरकट की ज़मीन है, आज तक उसमें दर्ज है। नगर निगम ने अवैध कब्जा करके इस पर अपना कब्जा किया था। समाज के लोगों ने मिलकर सभी ने कब्जा हटवाया है और कब्जा हटवाने के बाद नगर निगम और कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, एडीएम साहब से, शहर विधायक से 20 बार आश्वासन देने के बाद भी मरकट कब्जा नहीं खोल रहे हैं, तारा नहीं खोल रहे हैं। कहते खोल देंगे, मजबूर होकर आज समाज के लोगों ने ये कदम उठाया है, जिसमें इसीओ बार मजबूरन होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। ये सुरक्षा विहार में मरघट कमी है, उसमें 4-5 साल पहले एक स्टोर बन गया था नगर निगम का, उसको हम लोगों ने 2-3 महीने पहले नगर निगम साहब के आदेश से खाली करा दिया गया। अब ये लोग किसी और काम के लिए चाह रहे हैं, उसको शारीरिक रूप से मरघट है मरघट या फिर पार्क के लिए सहमत दी जा सके। औरैया जिले में बीते 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद कानपुर आईजी और कमिश्नर के साथ जिला प्रशासन की मौजूदगी में दलित बच्चे के शव का दाह संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कल बच्चे के शव को रखकर मांग को लेकर हुए बवाल में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही करीब 30 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिसको लेकर और परिजनों ने इन सभी पर कार्रवाई करने और छोड़ने को लेकर शव का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की लाख कोशिश के बाद समझाने पर परिजनों ने बच्चे का दाह संस्कार किया। और यहां पे एक दुखद घटना कल हुई थी, जिसमें कि 15 वर्ष के एक बच्चे का जो देहांत हुआ था इस पे, और उसको लेके स्थानीय जो कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा जो है उस इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ असामाजिक अराजक तत्व लोगों ने आके शांति व्यवस्था माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, और उसमें तत्काल प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंच के उसको हैंडल किए और पीसफुली जो है वहां पे चीज़ें रही हैं। और कल शाम से लेट इवनिंग से उच्च अधिकारी भी गाँव में ही कैंप कर रहे हैं, और हमारे साथ आईजी साहब भी है, डीएम, एसपी, एचएनएसपी, सीओ सभी जो है गांव में ही कैंप कर रहे हैं। लगातार जो है परिवार के साथ हम लोग की जो है वार्ता चल रही थी, और परिवार की सहमति से और उनकी सहयोग से जो ये आश्वासन दिया गया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है इस प्रकरण में वो कार्रवाई की। औरैया जिले के अछलदा थाना क्षेत्र के बेसौली गांव में दलित छात्र की शिक्षक की पिटाई से इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति है, जहां बीती रात को हुए बवाल के बाद से परिजनों की मांग की सहमति और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद से शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए बेसौली गाँव पहुंचे एडीजी भानु भास्कर ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। औरैया जनपद में 15 वर्षीय बच्चा है, उसका ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कथित रूप से अध्यापक की पिटाई से जो है उसकी मृत्यु हुई। इस सूचना प्राप्त होने से स्थानीय प्रशासन ने तत्काल रूप से चिकित्सक सेवाओं की कोशिश किया, चिकित्सकों ने भी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चे की जब पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था तो उस समय जिस स्कूल के पास वो पढ़ता था वहीं पे कुछ लोगों ने गाड़ी को रोक के उसे पार्थिव शरीर को रख के उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया। उनके जितने मांग थे वो पहले जिलाधिकारी सर से पहले ही से पूरे कर दिए गए, जितनी मांगे थी सब पूरी गए थे, जितने राज्य सरकार के प्रयोजन है उसमें सब में परिवार को जितने हो सकता था वो उतनी मदद की गई है, और पहले ही उसका प्रस्ताव कर दिया गया है और कर दिया है। सर, कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसमें एक गाड़ी को जला दिया और 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस